कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहे हैं आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है? वेरी गुड। और आप लोग के अच्छे अच्छे मार्क्स भी पढ़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ज्यादा खुशी इस बात की है कि अभी बच्चे जो है मन लगाकर पढ़ रहे हैं, है ना। और जैसे ही सब समझ में आने लगता है तो बच्चों को वो सब्जेक्ट भी पसंद आने लगता है क्या नहीं? ओके, तो मैं शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स का स्टैंडर्ड 7 का जो लेसन है, सिविक्स का लेसन नंबर है 2, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। तो एक सोसाइटी में किस तरह से अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटीज है उसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ रहे हैं, जिसकी मिसाल है हम लोगों का ये भारत देश। तो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स हमारे हो गए हैं कंप्लीट। डाइवर्सिटी इन अवर स्ट्रेंथ अपना हो गया है कंप्लीट। और मैं अभी कंटिन्यू करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए 2.3, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू अवर डेवलपमेंट। तो थोड़ा सा हम लोग इसे झूम कर लेते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से पढ़ने आ सके, ठीक है? इतना बराबर है? अभी दिख रहा है ना क्लियर? वेरी गुड। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू अवर डेवलपमेंट। अभी देखो भाई, एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी में खाली एक इंसान या एक फैमिली ही रहती है क्या? नहीं, तो सब लोग रहते हैं। तो कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को मिलजुल कर हम लोग करेंगे तो ही अपना सोसाइटी डेवलप होगा, है क्या नहीं? एक अकेला इंसान या एक अकेली फैमिली कर सकेगी क्या डेवलपमेंट? नहीं कर सकेगी। सो व्हाट डू वी लर्न बाय लिविंग इन अ सोसाइटी? अभी सोसाइटी में जब हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को सोसाइटी में क्या सीखने को मिलता है? के व्हाट वैल्यूज क्वालिटीज डू वी इम्बाइब? तो कौन से वैल्यूज और कौन से टाइप के क्वालिटीज हम लोग सीखते हैं अपनी सोसाइटी में, यानी इम्बाइब करना, यानी आत्मसात करना बोलते हैं इसको मराठी में, ठीक है? लेट अस सी हाउ सोसाइटी हेल्प्स टू डेवलप आवर पर्सनालिटी। अभी सोसाइटी में किस तरह से अपनी पर्सनालिटी डेवलप होती है अभी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है? अभी है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी एक साथ मिलजुल कर काम करना। ऑल सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी। हर एक इंसान के बीच कोऑपरेशन, इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों के बीच कोऑपरेशन, कोऑपरेशन वो कंबाइंड वर्ड है, ओके? तो कोऑपरेशन होता है, और कम्युनिटी में भी कोऑपरेशन होता है। द वेरी एग्जिस्टेंस वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। सोसाइटी का हर एक काम किसके ऊपर डिपेंड करता है? हर एक व्यक्ति के कोऑपरेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट करता है। कोऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड रिमूविंग डिफिकल्टीज। कोई भी प्रॉब्लम है शेयर करने के लिए या कोई भी डिफिकल्टीज है उसको दूर करने के लिए हम लोगों का आपस में शेयरिंग होना, हेल्पिंग नेचर होना बहुत जरूरी होता है। तो कितने भी डिफिकल्टीज क्यों ना आए वो हम लोग आसानी से दूर कर सकते हैं। उसके लिए किस चीज की जरूरत है हम लोगों के लिए? इंडिविजुअल कोऑपरेशन की जरूरत है। अ फैमिली कैन नॉट रिमेन टुगेदर विदाउट एन एटीट्यूड ऑफ कोऑपरेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। अभी जब तक
फैमिली के मेंबर्स में आपस में कोऑपरेशन नहीं होता है, तब तक वो फैमिली मिलजुल कर एक साथ नहीं रह सकती है। फैमिली में जिस तरह से हम लोगों की ज़रूरत होती है, उसी तरह से सोसाइटी में रहने के लिए भी हम लोगों को लोगों की ज़रूरत होती है। द सेम इज ट्रू ऑफ सोसाइटी। लैक ऑफ कोऑपरेशन हैम्पर्स अवर प्रोग्रेस। अगर कोऑपरेशन नहीं होगा या फिर कोऑपरेशन कम होगा तो हमारी जो तरक्की है उसमें बहुत सारे रुकावट आते हैं। डे टू डे लाइफ विल ऑल्सो नॉट रन स्मूथली। हर रोज का जो अपना डे टू डे लाइफ है वो भी स्मूथली नहीं जाता। एक वहाँ पर मुंह टेढ़ा करके खड़ा है, एक वहाँ पर मुंह टेढ़ा करके खड़ा है, फिर सब हेट्रेट कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैली हुई है, तो एक टेंशन होता है, एक अननोन टेंशन आता है इंसान के ऊपर, तो जो सोसाइटी का जो प्रोग्रेस है उसकी वजह से रुक जाता है। ओके, डे टू डे लाइफ विल ऑल्सो नॉट रन स्मूथली। कोऑपरेशन मेक्स इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी हेल्दियर एंड अलाउज इंक्लूजन ऑफ एवरीबडी इन द सोसाइटी। अभी सो सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस तो होता ही है क्या नहीं। अभी एक अकेला इंसान नहीं रह सकता जैसे फैमिली के बिना, उसी तरह एक फैमिली नहीं रह सकती है सोसाइटी के बिना। अभी सोसाइटी बोलेंगे तो हम लोग हर कास्ट के, हर जाति के, हर धर्म के लोग आते हैं, तो हम लोग कुछ भी प्रोग्राम करते हैं, कुछ भी फेस्टिवल करते हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं, मिलजुल कर करते हैं, ठीक है, तभी ही एक सोसाइटी सक्सेस होती है, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो होते हैं अपने सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस होता है, हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते है, उससे जो सोसाइटी होती है वो हेल्दियर भी रहती है और सब लोग जो होते हैं सोसाइटी के वो लोग भी बहुत खुश रहते हैं। अगर रोज के रोज झगड़े होने लगे सोसाइटी में तो भी आप लोग का जो पीस होता है ना वो खत्म हो जाता है ना। इसके लिए जितना स्मूथ लाइफ हो उतना अच्छा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड ऑफ moving ahead, taking along all sections of society. अभी ये भी एक प्रोसेस है कि सोसाइटीज को किस तरह से चलाना चाहिए। Let's discuss. We must cooperate with effort aimed to the education and development of girls and the weaker and deprived sections of our society. अभी ये जो cooperate है, कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, उन लोगों का एम क्या है, उन लोगों का उद्देश्य क्या है, क्या चाहते हैं वो लोग, तो वो लोग चाहते हैं कि एजुकेशन और डेवलपमेंट, पढ़ाई और तरक्की जो लड़कियों की या औरतों की जो होनी चाहिए वो अच्छे से होनी चाहिए, और जो वीकर और डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटीज है, जो पिछड़े हुए जो लोग हैं अपनी सोसाइटी के, जिन्हें आगे आने का मौका नहीं मिला, तो ऐसे लोगों को भी हमारी जो सोसाइटी है अच्छे से डेवलप करना चाहती है और उन्हें भी आगे लाना चाहती है। फॉर दिस पर्पस ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाए हुए हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस हासिल किए हैं इनके बारे में और कुछ स्कीम्स बनाए हुए हैं। डिस्कस इन क्लास व्हाट कैन यू डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। तो आप लोग क्या चाहते हो कि किस तरह से हम लोग इन्हें, क्या करके हम लोग ये जो सेक्शंस है सोसाइटी के, जैसे वुमेन्स के एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, पिछड़े वर्ग का जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। शेयर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम योर डिस्कशन विथ स्टूडेंट्स एंड अदर क्लासेस। तो इस तरह से आप लोग डिस्कस कीजिएगा स्टूडेंट्स और दूसरे क्लास के बच्चों से। टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। टॉलरेंस करना यानी बैर करना, सहना, एंड अंडरस्टैंडिंग यानी समझ कर रहना। Just as there is cooperation in the society, so also at times there can be differences in opinions, disputes and conflicts. अभी कभी कभी क्या होता है, सोसाइटी में किसी ही एक टॉपिक को लेकर
आपस में अलग अलग सबके ओपिनियंस होंगे, विचार सबके अलग अलग रहते हैं ना सोसाइटी में। एक हर इंसान एक ही एंगल से सोचेगा क्या? नहीं, हर एक का सोचने का एंगल जो होता है वो अलग होता है। डिस्प्यूट्स यानी झगड़े, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स यानी वाद विवाद झगड़े, ऐसे ही होता है। डिस्प्यूट्स यानी वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े, यानी असहमत, एक के ओपिनियन को न मानना। फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है, अरे नहीं, ये तुमने ऐसे कैसे बोला। अभी गणपति, एक एग्जांपल दे दूँ मैं भी, गणपति लाने का है तो कोई बोलेगा छोटी सी मूर्ति लाओ, कोई बोलेगा बड़ी मूर्ति लाओ, कोई बोलेगा पीओपी की मूर्ति लाओ, कोई बोलेगा नहीं, वो जो कुदरती तौर से बनाई जाती है उस मूर्ति को लेकर आओ। क्या बोलते हैं उसको, कुदरती तौर पर जो नेचुरल इसका मूर्ति बनाते हैं गणपति का, मुझे बताना आप लोग कमेंट करके कि क्या बोलते हैं उस गणपति को, ठीक है? हाँ, तो इस तरह से आपस में उन लोगों के चर्चा होती है, फिर थोड़ा सा बहस होता है, तो उसी को कहते हैं डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज व्हेन देयर इज लैक ऑफ एग्रीमेंट इन द ओपिनियंस, आइडियाज एंड व्यूज ऑफ द पीपल। अंडरलाइन करो इसको। तो ये जब वाद विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, तो कभी होते हैं जब इन लोगों के ओपिनियंस जो है आपस में नहीं मिलते, उनके जो आइडियाज है लोगों के आपस में नहीं मिलते, तभी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। प्रिजुडाइसेस और मिसकंसेप्शंस अबाउट ईच अदर कैन ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी क्या होता है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी, और इस तरह से उन लोगों का आपस में ऐसे बात तू तू मैं करते करते वो जो झगड़ा है वो बढ़ते जाता है। हाउएवर इट इज ए नो बडी इंटरेस्ट टू कीप अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि ये झगड़ा बहुत लंबा चले। पीपल फाइंड अ वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग। और लोग क्या करते हैं, वो झगड़ा जो है उसे मिटाने के लिए कोई तीसरा रास्ता निकालते हैं, और उन लोगों का आपस में कॉम्प्रोमाइज कराते हैं, और उन लोगों में अंडरस्टैंडिंग भी कराते हैं। चलो बाबा, जो हुआ सो हो गया, अभी जाने दो, वही वही बात बोलते मत बैठो, चलो चलो खत्म करो, खत्म करो, किस्सा खत्म करो, ठीक है? तो इस तरह से वो जो झगड़ा होता है वो वहीं पर खत्म कर देते हैं। दस कॉन्फ्लिक्ट्स कैन एंड इफ पीपल मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड शो अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। अभी एक जो झगड़ा होता है वो कब खत्म होता है, जब लोग एक दूसरे को समझते हैं। यानी क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? अभी वो गणपति की मूर्ति की बारे में ही, एक ने बोला भाई 2 फुट का मूर्ति लाओ, एक ने बोला 6 फुट का मूर्ति लाओ, फिर जो उन लोगों का आपस में बहस हो गया, फिर जो बीच में लोग पड़े उन लोगों ने बोला भाई 2 फुट का भी नहीं, 6 फुट का भी नहीं, हम लोग 4 फुट का गणपति लेकर आते हैं, ठीक है? तो इसी में अभी तुम लोग सेटलमेंट कर दो। तो अभी दोनों को भी क्या करना पड़ा, ठीक है बोला, उन लोगों ने बोला अभी क्या बहस करके फायदा है नहीं, ठीक है 4 फुट का तो 4 फुट का लेकर आओ भाई गणपति। तो ये क्या हो गया, टॉलरेंस। बोलो वाड़के बैठे क्या, नहीं, जो मैंने बोला है वही करो, नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो उन लोगों ने जो भी बातचीत हो गई वो टॉलरेट किया, अपने व्यू से पीछे हट गए, और जो उन लोगों ने डिसीजन लिया उसके लिए वो एग्री हो गए, ठीक है? तो व्हाट इज टॉलरेंस, एग्जाम में आप लोगों को सवाल पूछ सकते हैं, ओके? फिर एन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड लीड्स टू अ लॉट ऑफ न्यू लर्निंग, वी एक्सेप्ट न्यू आइडियाज। अभी ये जो अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड होता है ना, यानी जाने दे, चल बहस करके क्या फायदा है, और वो बोल रहा है वो होने देना, चल ठीक है, चल करो तुम लोग, करो बाबा तुम लोग को जैसे मांगता है वैसे करो, यानी अपना जो स्टेटमेंट है वो पीछे ले लेने का, चलो फिर मैं अभी इसमें कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, तुम लोग को जो करना है वो करो। तो ये जो एटीट्यूड जो हम लोग सीखते हैं अंडरस्टैंडिंग करने का, वो भी हम लोग का एक नया एक्सपीरियंस होता है। वी एक्सेप्ट न्यू आइडियाज, जब हम लोग एक सोसाइटी में बैठते हैं, हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है,
वो ओपिनियन हम लोग सुनते हैं, हमारा भी ओपिनियन हम लोग बोलते हैं, फिर जो मेजोरिटी डिसाइड करती है कि नहीं नहीं ये जो ओपिनियन है वो सही है, तभी हम लोग उसे एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ठीक है चलो सब लोगों ने एग्री किया तो मैं भी एग्री करता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों में एक्सेप्टेंस भी आती है। दिस हेल्प्स टू फर्दर एंड रीच अवर सोशल लाइफ, और इससे हम लोगों का जो आगे का जो सोशल लाइफ है ना वो आगे बढ़ने में हम लोग को हेल्प होता है। अभी सोसाइटी में हम लोग जैसे स्कूल में तुम लोग जाते हो, आजू बाजू में तुम लोग खेलते हो, तो तुम लोग को नई नई बातें हर रोज सीखने को मिलती है। तो तुम लोग अपने आप को किस तरह से डेवलप कर रहे हो वो भी मैटर करता है। ओके, दिस हेल्प्स टू फर्दर एनरिच अवर सोशल लाइफ, वी बिकेम मोर टॉलरेंट। तो हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। कभी कभी जो सामने वाला बोलता है ना उसके बात को भी हमने मान लेना चाहिए, या कोई हम लोगों ने पढ़ भी रहा है ना फिर भी जाने दे, मेजोरिटी तैयार है ना तो ठीक है करने दो उन लोग को। ऐसे तो ये क्या कि आप लोगों ने टॉलरेट किया, सह लिया, बोले तो जाने दो नहीं बोलना है मुझे इसमें भी कुछ भी ऐसा। तो वो अपनी एक क्वालिटी डेवलप होती है अपने अंदर। ओके, सोसाइटी प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस सिंपल मेथड ऑफ मेंटेनिंग वेल बीइंग एंड पीस इन सोसाइटी। तो ये हम लोग को सोसाइटी में सीखने को मिलता है कि किस तरह से सोसाइटी में हम लोग पीस मेंटेन करेंगे। अगर मेरे एक स्टेप पीछे लेने से अगर सब शांति से हो रहा है बिना कोई अड़चन के, तो भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है मैं मेरा जो स्टेप है उसे पीछे ले लेता हूँ। तो इन लोग को फिर जो करना है उन लोगों को करने दो, तो क्या हो गया, बहस नहीं हो गया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, डिस्प्यूट नहीं हुआ। हाँ भाई आप लोग को जैसे अच्छा लगता है वैसे कर दो, तो क्या हो गया, शांति भी बनी रही, पीस भी बनी रही, और हम लोगों ने जो भी सिचुएशन था जो बहुत बेकार होने वाला था उसको हम लोगों ने संभाल लिया, और उसमें ही सब पीसफुली हम लोगों ने उसको हैंडल कर लिया। तो ये भी हम लोग सीखते कहाँ पर है, सोसाइटी में ही सीखते हैं कि एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, कैसे पीस सोसाइटी में हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, ये भी हम लोगों को सीखने मिलता है। ओके, कैन यू डू इट, क्या तुम लोग ये कर सकते हो। यू टू मे हैव मेड सम कॉम्प्रोमाइजेस, तो कभी कभी तुम लोगों ने भी इस तरह से कॉम्प्रोमाइज किए रहेंगे। ओके, सम सच एक्सपीरियंसेस आर गिवन बिलो, एड मोर एक्सपीरियंसेस ऑफ यूर ओन। अभी यहाँ पर नीचे कुछ एक्सपीरियंस उन लोगों ने आप लोगों को दिए हुए हैं, तो आप लोगों के भी कुछ एक्सपीरियंस आए हैं इसी तरह के, तो आप लोग अपने आप वो एक्सपीरियंस इसमें ऐड कीजिए, ऐसे इन लोगों ने कहा है। ए, द हॉल इज पैक्ड फुल ऑफ स्टूडेंट्स, जो हॉल है वो बच्चों से पूरा भरा हुआ है। यू सी अ पर्सन स्टैंडिंग, आपने देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है। You move over a little on your bench to make room for the person, और तुम अपने बेंच के ऊपर से खड़े हो गए उन व्यक्ति को बैठने के लिए। तो ये है ना हम लोगों ने ज़्यादातर। B, you want a cycle with gears but your parents have to pay your sister's school fees, you give up your demand। अभी आप लोगों को लेना है गियर वाले साइकिल, वो ज़्यादा महंगे होते हैं ना थोड़े से गियर वाले साइकिल, और आपकी जो बहन है उसका स्कूल का फी भरने का है। तो आप लोग ऐसे बोलेंगे क्या मम्मी पापा को, नहीं नहीं दी वो बहन का फी मत भरो लेकिन मेरे लिए साइकिल लेकर आओ, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, नहीं बोल सकते हैं ना। तो अभी फिर आप लोग ने क्या कहा कि ठीक है मम्मी पापा अगली बार हम लोग देखते हैं साइकिल का, मेरा पहले जो मेरी बहन है उसका आप फीस भर दो, ठीक है। सी, योर फैमिली वॉज एबल टू सॉर्ट आउट अ डिस्प्यूट विद द नेबर्स ओवर द बाउंड्री ऑफ द फील्ड विदाउट गोइंग टू द कोर्ट, योर नेबर सोपान इज नाउ अ गुड फ्रेंड ऑफ यूअर्स। अभी आप लोगों के फैमिली में कुछ ऐसे झगड़े हो गए थे आपस में, फिर उन लोगों ने बिना कोर्ट कचहरी में गए हुए
वो जो झगड़ा था आपस में ही सुलझा लिया, और जो उनका बेटा था सोपान, वो आज तुम लोग का बहुत ही अच्छा दोस्त है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसलिए, ठीक है? ऐसे होता है ना, आजू बाजू में झगड़े हो जाते हैं, फिर वो झगड़े सलट भी जाते हैं, और बाद में हम लोग आपस में अच्छे से मिलजुल कर भी रहते हैं, है ना? तो अभी इसके आगे आप लोगों को क्या क्या एक्सपीरियंस आए हैं, जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल में बता रही थी, जिसमें कहा था कि बच्चे ने वो खड़े होकर वो पेरेंट्स को या वो जो खड़ा इंसान था उसको बैठने के लिए जगह दिया। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि कोई भी एजेड व्यक्ति खड़ा है, अगर हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं ट्रेन में बस में, तो हम लोग मैं क्या करती हूँ, मैं खड़ी हो जाती हूँ और मैं उन लोगों को बैठने को देती हूँ। या फिर कोई, बचपन से है मुझे ये आदत, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर कोई छोटे बच्चे को लेकर खड़ी है लेडी, या कोई जेंट्स खड़ा है, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ और उन्हें बैठने के लिए कहती हूँ, क्योंकि बच्चे के पकड़ के खड़े रहना और ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो हम लोगों में होनी ही चाहिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति, वो तो बेचारा बोल नहीं सकता हम लोगों को कि भाई आप उठ जाओ और मुझे बैठने दो, या किसी को तकलीफ हो रही है, या कोई बुजुर्ग बूढ़ा आदमी हमारे बाजू में खड़ा है और हम लोग बैठे हुए हैं, तो कैसे लगेगा हम लोगों को? शर्म आनी चाहिए ना हम लोगों को कि हम लोग बैठे हैं और वो बेचारे अंकल जो है के खड़े हैं। इसके लिए कभी भी हम लोग खड़े हो सकते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है खड़े होने में, तो उन्हें बैठने देना चाहिए, ठीक है? ये मेरे व्यूज है, ओके? तो आई होप ऐसे इस तरह से आप लोगों को भी बहुत सारे कुछ एक्सपीरियंस आए रहेंगे, जैसे टॉयज के बारे में, कोई भी एक टॉय लेकर आता है फिर आपको वो बहुत पसंद आती है, तो जो आपके भाई या बहन है उन्हें वो टॉय दी जाती है, तो आप लोग बेचारे मन ही मन में बोलते हैं अरे अरे ये टॉय ना मुझे चाहिए था और ये ही नहीं मिला मुझे, फिर आप लोग चुप भी बैठ जाते हैं। एक बार बोल के देखते हैं कि अरे मुझे वो देना, तू ये ले लेना, तू ये ले, दो दो ले ले, दो दो ले ले, हाँ मुझे तो वो एक ही दे दे, लेकिन तू ये दो ले ले, लेकिन सामने वाला फिर देता नहीं है। फिर तुम लोग क्या करते, जाने दे, जाने दे, ले जाने दे, चल छोड़, नहीं मांगता है मुझे, हाँ नहीं मांगता है, ऐसा बोलते हैं, फिर बैठ जाते हैं चुपचाप। ये क्या हो गया आप लोगों का, टॉलरेंस हो गया है, क्या नहीं? तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप लोगों को उन्होंने कहा है बताने के लिए। एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। अभी जब हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो हम लोगों को अलग अलग रोल्स प्ले करने होते हैं, जैसे पिक्चर में हीरो हीरोइन लोग अलग अलग रोल कैसे करते हैं, हाँ एक बार वो विलन बनते हैं, एक बार हीरो बनते हैं, एक बार कॉमेडियन बनते हैं, तो उसी तरह से सोसाइटी में भी हम लोगों को अलग अलग रोल प्ले करने को मिलता है। इन सोसाइटी वी प्ले डिफरेंट रोल्स, ईच इंडिविजुअल हैज सेवरल रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी रोल आर वेल डिफाइंड। व्हाइल प्लेइंग दीज रोल्स एट होम एंड आउटसाइड वी फॉर्म बॉन्ड्स विथ मैनी पीपल। अभी जब हम लोग कोई भी एक रोल प्ले कर रहे हैं अपनी फैमिली में हमारा रोल है बेटा बेटी भाई बहन, है क्या नहीं? जब हम लोग सोसाइटी में बाहर जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं, तो नेबर का आता है, दोस्त का आता है क्या नहीं? तो इस तरह के रोल, फिर बाहर और बहुत सारे लोग मिलते हैं, अंकल आंटी नाना नानी चाचा मामा काका काकी, कितने लोग को हम लोग बोलते हैं ना आंटी ये लो, आंटी ये करो, आंटी वो। अननोन भी व्यक्ति रहेगा तो हम लोग उसको आंटी करके ही बात करते हैं, क्या नहीं? तो इस तरह से हम लोग जो सोसाइटी में हमारे जो रोल्स होते हैं ना, वो अलग अलग हम लोगों को प्ले करने पड़ते हैं, घर में भी और घर के बाहर भी। इससे क्या होता है, हम लोगों की जो लोगों के साथ की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, और हम लोगों को वो सीखने भी मिलता है कि सोसाइटी में हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। हाउएवर चेंजेस में अकर इन द पार्ट्स वी प्ले। तो जब हम लोग एक बड़े भाई का रोल प्ले करते हैं तो भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने छोटे भाई और बहन के लिए, अगर हम लोग दोस्त का रोल प्ले कर रहे हैं तो फिर दोस्त के लिए हम लोग जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं, है क्या नहीं? दोस्ती निभाने के लिए, और कोई मुसीबत में है, कोई प्रॉब्लम में है, तो भी हम लोग जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग जो होते हैं अलग अलग रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। अभी
ट्राई दिस. लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज. स्पॉट द पिक्चर दैट क्लियरली डिफाइन्स यूर रोल टूडे. डिस्कस द न्यू रोल्स दैट यू विल हैव टू कैरी आउट आफ्टर 20 ईयर्स. अभी देखते हैं, पहले हम लोग को पीछे पेज टर्न करना पड़ेगा. फिर उसमें क्या पिक्चर है मुझे भी नहीं पता, मैं भी अभी देखने वाली हूँ. चलो फिर टर्न करो पेज. ओके, तो देखो भाई, यहाँ पर इन लोगों ने पिक्चर दिया हुआ है और इसमें ये जो है ये आप है, ठीक है. अगर लड़का है तो यू, लड़की है तो यू, ठीक है. तो अभी आप लोग सोसाइटी में क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं. स्टूडेंट है, सन डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, मेंबर ऑफ योर फ्रेंड सर्कल इन द स्कूल, स्कूल में फ्रेंड सर्कल के मेंबर्स होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्पोर्ट्समैन, क्लीनलीनेस एम्बेसडर, मेंबर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन सोसाइटी. तो इस तरह के रोल आप लोग प्ले करते रहते हैं. नाउ 2.4 रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी. इन ऑर्डर दैट सोसाइटी फंक्शन स्मूथली सम रूल्स आर रिक्वायर्ड. अभी सोसाइटी को अगर स्मूथली चलाना है तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाने जरूरी है. ओके, तभी सोसाइटी स्मूथली चलेगी. इन एंशियंट टाइम्स सोसाइटी वॉज मोस्टली रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशंस. अभी एंशियंट टाइम में यानी प्राचीन समय में, बहुत पुराने काल में सोसाइटी जो थी वो कैसे चलाते थे, वो लोग ट्रेडिशंस के हिसाब से चलाते थे. बट इन मॉडर्न टाइम्स अलॉन्ग विद ट्रेडिशंस लॉज आर नीडेड. ट्रेडिशन के साथ साथ कायदा कानून भी जरूरी है. लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशंस एंड लॉ होते हैं, जो कायदे कानून होते हैं वो ट्रेडिशंस और कस्टम से बहुत अलग होते हैं. कैसे अलग होते हैं? हर एक का ट्रेडिशन और कस्टम जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन कायदे जो होते हैं सब ट्रेडिशन और कस्टम वाले लोगों के लिए एक ही कायदा होता है. ओके, द रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी थ्रू लॉज एंड ट्रेडिशन इज कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस. तो कौन चलाता है उसे? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं चलाती है. द गवर्नमेंट बॉडीज एट द लोकल लेवल ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी. और कुछ ऐसे गवर्नमेंट बॉडीज भी है जो लोग सोसाइटी को स्मूथली चलाने के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और इस तरह से ये जो हमारा लेसन है वो हो गया है कंप्लीट. और जल्दी ही मैं आप लोग के लिए अपलोड करती हूँ इसके एक्सरसाइज भी. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. आप लोगों को अगर आज पहली बार देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल का आइकन टैप नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. और लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, लेकिन बिना भूले फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, क्योंकि ये जो मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतना मैं मेरा जी जान लगाकर आप लोगों को पढ़ाती हूँ, हर एक शब्द का आप लोगों को मतलब मैं बताती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा एक एम्बिशन है एजुकेट इंडिया का. ये मेरा टारगेट है कि बच्चे अगर अच्छे समझ बूझ कर अगर पढ़ते हैं तो बच्चों को पढ़ाई करना बहुत बहुत पसंद है और बच्चों का इंटरेस्ट भी जो होता है ना वो डेवलप होता है. अदरवाइज सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये जो सब्जेक्ट है ना बच्चे लाइक ही नहीं करते बिल्कुल भी. और जो लैंग्वेज होते हैं ना हिंदी मराठी, उसके भी मैंने वीडियोस डाले हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और ज़रूर देखिएगा मेरे सारे वीडियोस, ठीक है. हाँ, लेकिन जो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाले हैं वो एज़ पर स्टूडेंट्स डिमांड डाले हुए हैं. अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है. तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.